हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और स्वागत है आप सभी का गलगोटियास पॉडकास्ट पर। अब आज के शो पे तो आप सभी का स्वागत कर लिया, फिर आज करेंगे क्या? वैसे क्या आप लोगों को वो दिन याद है जब रात को सोने से पहले मम्मी, दादी या नानी में से कोई एक आकर कहानी जरूर सुनाता था? अब भले ही वो रामायण हो, महाभारत हो या फिर कोई किस्सा ही क्यों ना हो, वो कहानी, वो किस्से हमें कुछ सिखा कर जाते थे, कोई सीख दे कर जाते थे। पर अब जैसे जैसे बड़े हुए, वो कहानी, वो सीख कहीं खो सी गई। तो क्यों ना आज फिर उन्हीं कहानियों को याद करें और एक सीख लेकर जाए। तो एक बार एक गांव में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी उसके पास। एक बड़ा घर, दूर तक फैली हुई जमीन, अच्छी फसलें, ढेर सारी गायें, मुर्गियां और एक आराम की जिंदगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो उस जिंदगी से खुश नहीं था। वो हमेशा यही सोचता था कि काश उसके पास थोड़ा और होता, काश उसके पास थोड़ी और जमीन होती तो 90 की बजाय 100 बोरी अनाज होता, काश थोड़ी और गाय होती तो 100 बाल्टी दूध आता, काश थोड़ी मुर्गियां होती तो 100 अंडे होते। और इन्हीं सब बातों की वजह से वो इतना परेशान रहता था कि एक चैन की जिंदगी होने के बावजूद भी वो चैन से नहीं रह पाता था। और वहीं उसके घर के पास एक गरीब किसान 2x2 के कमरे में 10 लोगों के साथ रहता था। अब कहने को उन सबके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो उतना ही अनाज उगाते थे जितना उन्हें बेचना होता था और जितना खुद के लिए बचाना होता था। लेकिन अब उस अमीर किसान और उस गरीब किसान में बस इतना ही अंतर था कि कुछ ना होते हुए भी वो गरीब किसान अपने जीवन से खुश था और सब कुछ होने के बावजूद भी वो अमीर किसान अपने जीवन से खुश ही नहीं था। और इन्हीं दोनों के बीच के अंतर को देखते हुए एक दिन वो अमीर किसान तिलमिला उठता है और ये सब बातें जाकर अपने मुनीम को बताता है और उससे पूछता है, आखिर क्यों वो गरीब किसान जिसके पास कुछ भी नहीं है अपने जीवन से इतना खुश है और किस वजह से मेरे जीवन में मुझे इतनी दुविधाएं नजर आती हैं। यही सब बातें सुनने के बाद मुनीम जी ये उत्तर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा इसीलिए क्योंकि वो गरीब किसान अभी 99 के चक्कर में नहीं फंसा है। 99 का चक्कर? ये क्या है? अपना सर खुजाते हुए वो अमीर किसान अपने मुनीम से पूछता है। अब ये जानने के लिए तो सेठ जी, मैं आपको जैसा जैसा कहता हूँ वैसा वैसा करेंगे तो सब समझ जाएंगे। तो अब जैसा जैसा मुनीम जी सेठ को कहते हैं वैसा वैसा मानते हुए सेठ जी उस गरीब किसान के घर के बाहर एक बोरी रख देते हैं। अब अगली सुबह जब वो गरीब किसान अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाता है तो अपने दरवाजे पर एक बोरी देखकर चौंक जाता है। जब वो बोरी खोलकर देखता है तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के पाता है और यही सोचता है कि इतने सारे सिक्के उसके घर के बाहर कौन रख कर चला गया। लेकिन जब वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर ही नहीं आता है तो वो सिक्कों को गिनना शुरू कर देता है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 23, 50, 80, 97, 98, 99, 99, अरे 100 सिक्का कहाँ है? लगता है मेरे से कोई गिनने में गलती हुई है, मैं फिर गिनता हूँ। 1,
दो तीन चालीस सत्तर नब्बे सत्तानवे अट्ठानवे निन्यानवे फिर निन्यानवे। गिनने में कोई गलती हो ही रही है, फिर से गिनते हैं। और इसी के साथ वो गरीब किसान फिर से सारे सिक्के गिनना शुरू करता है, लेकिन फिर उसे 99 सिक्के ही मिलते हैं। लेकिन इस बार वो सोचता है कि शायद वो एक सिक्का कहीं खो गया होगा। तो सिक्के को वो हर जगह ढूंढता है और काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे वो सिक्का ना मिलने पर वो थक जाता है और उस सिक्के की बोरी को अपने घर के बाहर ही छुपा देता है और किसी को भी उसके बारे में नहीं बताता है। पर अब उस किसान का ध्यान उस एक सिक्के से नहीं हटता है। वो पूरी रात यही सोचता रहता है कि वो एक सिक्का उसे कैसे मिल सकता है। और इसी का उपाय सोचते सोचते उस गरीब किसान के मन में एक विचार आता है। वो सोचता है कि क्यों ना वो उस अमीर किसान के यहाँ कुछ काम कर ले और इसकी वजह से उसके पास एक की बजाय और सिक्के आ जाएंगे। तो इसी विचार के साथ वो गरीब किसान उस अमीर किसान के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। और मुनीम जी के बताए मुताबिक वो अमीर किसान उस गरीब किसान को 10 सिक्के और दे देता है। और अब उन 10 सिक्कों को मिलाकर उस गरीब किसान के पास हो जाते हैं पूरे 109 सिक्के। पर अब वो गरीब किसान फिर से सोचता है कि काश उसके पास एक और सिक्का होता तो पूरे 110 सिक्के हो जाते। और उस एक सिक्के के लालच में वो गरीब किसान अगले दिन फिर से उस अमीर किसान के यहाँ काम पर चला जाता है। और मुनीम जी के बताए मुताबिक वो अमीर किसान उसे फिर 10 सिक्के और दे देता है। और फिर वो गरीब किसान यही सोचता है कि काश उसके पास एक सिक्का और होता। और वो दिन रात उसी एक सिक्के के बारे में सोचता रहता है और अपनी चैन से भरी जिंदगी भी खो देता है। ये सब देखकर मुनीम जी अपने सेठ को कहते हैं, देखा ये था 99 का चक्कर। सेठ सब समझ जाते हैं और अगले ही दिन उस गरीब किसान के घर जाते हैं और उससे कहते हैं, मित्र मैंने ही वो सिक्के तुम्हारे दरवाजे के आगे रखे थे और 99 सिक्के रखने का मेरा एक मकसद था। जिसके बाद दोनों अमीर किसान और वो गरीब किसान एक बात तो जरूर समझ जाते हैं कि जिंदगी में हमें जितना मिलता है उतने में ही खुश रहना चाहिए और जो नहीं है उसके बारे में सोचकर अपनी चैन भरी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहिए। हर चीज समय के साथ इंसान को मिल ही जाती है, बशर्ते उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है। तो आज की सीख के लिए कलगोटियास पॉडकास्ट से इतना ही। धन्यवाद।